आखिर कौन है AEW सुपरस्टार लूचा सॉरस और क्या है इनकी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप इसे एंड तक देखते रहें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका एक बार फिर से नए एपिसोड में नो AEW सीरीज के, जहां पे मैं आपको बताता हूं ऑल इलीट रेसलिंग से जुड़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि आप इस कंपनी के बारे में जो है वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें। और आज का एक टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग सुपरस्टार पे, जिनका नाम है लूचा सॉरस और क्या है इनकी बैक स्टोरी, किस तरीके से AEW में पहुंचे। तो सबसे पहले तो गाइस इनका असली नाम है ऑस्टिन मेटेल्सो और इनका जन्म हुआ था मार्च 10, 1985 को। साल 2012 में इन्होंने WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और इनको FCW यानी कि फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में भेज दिया गया था और वहाँ पे इनका नाम था जूडास डेवलिन। अब जब FCW NXT में चेंज हुई तो तब ये NXT के हाउस शोज के लिए लड़ा करते थे, लेकिन साल 2014 में क्योंकि इनको एक सीवियर हिप इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से WWE ने इनको रिलीज कर दिया था। अब 2013 के एंड से लेकर 2016 तक इन्होंने रेसलिंग नहीं करी और अपनी इंजरी से रिकवर करा और डॉक्टर्स ने इनको बोला था कि कभी लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी इन्होंने अपनी वापसी करी और 2016 में मिलेनियम प्रो रेसलिंग के लिए आके लड़े, जहां पर ये उस कंपनी के हैवीवेट चैंपियन भी बने। उसी साल इन्होंने लूचा अंडरग्राउंड के साथ भी अपना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और एक ब्रांड न्यू गिमिक डेब्यू करा जिसका नाम था विबोरा और एक मास सुपरस्टार था जो कि रिप्टाइल ट्राइब स्टेबल का पार्ट था और इस स्टेबल के साथ गाइस ये बने लूचा अंडरग्राउंड ट्राइब्स चैंपियन। और अपने रन में इन्होंने जॉनी मुंडो या फिर जॉन मॉरिसन के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनको इन्होंने हराया था एक मैच में। और अगस्त 2018 में गाइस जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ लूचा अंडरग्राउंड के साथ, तब इस विबोरा नाम के कैरेक्टर को जो है टीवी से हटाना था और लूचा अंडरग्राउंड ने एक स्टोरी बुक करी जहां पे जॉनी मुंडो ने टाया वैल्करी के साथ मिलकर जो है एक तलवार ली और उस समय विबोरा का सर काट दिया और बेसिकली इस तरीके से जो है इनको इस कंपनी से राइट ऑफ करा गया था। लेकिन क्योंकि ये ऑस्टिन मेटेल्सो के लिए काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, तो लूचा अंडरग्राउंड के बाद जब ये इंडिपेंडेंट सर्किट पर या फिर इंडीज में जाके लड़ना इन्होंने स्टार्ट करा, वहां पर भी उन्होंने इस कैरेक्टर को आगे कंटिन्यू रखा, लेकिन उसका जो नाम था गाइस वो विबोरा से लूचा सॉरस कर दिया। और इसके पीछे रीजन ये था कि जब भी इनके मैचेस हुआ करते थे लूचा अंडरग्राउंड में तो क्राउड चैंट करता था लूचा सॉरस और वही रीजन है कि इनको ये नाम मिला। और अपने इस इंडिपेंडेंट सर्किट के रन के टाइम पे गाइस ये हाउस ऑफ ग्लोरी में भी फीचर हुए, जहां पे इन्होंने मैट रिडल के अगेंस्ट भी कुछ मैचेस लड़े थे जो कि अब NXT में परफॉर्म कर रहे हैं। और गाइस फिर फाइनली मई 25, 2019 को इन्होंने अपना डेब्यू करा था ऑल इलीट रेसलिंग के लिए डबल और नथिंग पेपरव्यू में, जहां पे प्री शो में कैसीनो बैटल रॉयल के पार्ट थे और इस मैच में लास्ट 3 तक भी पहुंचे थे, लेकिन फिर इनको एडम पेज ने कर दिया था एलिमिनेट। और गाइस अब ये ऑफिशियली साइन कर चुके हैं AEW के साथ एक फुल टाइम डील और अब उनके बन चुके हैं एक परमानेंट एम्प्लॉय। और अब इनको AEW में गाइस जुरैसिक एक्सप्रेस का पार्ट बनाया गया है जंगल बॉय और मार्को स्टंट के साथ, जो कि वाइडली पॉपुलर होती जा रही है। और अनफॉर्चुनेटली अभी क्योंकि लूचा सॉरस इंजर्ड हैं तो इस टीम का मोमेंटम थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी वापसी करें ताकि ये टीम हमें एक बार फिर से AEW में देखने को मिले। तो लूचा सॉरस की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाले हैं AEW का। और एक जो इनके अचीवमेंट गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि साल 2013 में PWI के टॉप 500 रेसलर्स इन द वर्ल्ड में ये 331 रैंक पे थे, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और इससे हमें पता लगता है कि जो ये कैरेक्टर लेके आते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमें रेसलिंग में और कहीं देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप लोगों को लूचा सॉरस का कैरेक्टर पसंद है गाइज तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। और ऐसी वीडियोज इस सीरीज में ऐड अगर आप करते हुए हमें देखना चाहते हैं तो उसके आइडियाज भी आप कॉमेंट्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।